नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल विद योर फैमिलीज। वंस अगेन आई विश टू वेलकम ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स तथा फैमिली पेंशनर्स ऑन ओनली वन एंड वन ट्रस्टेबल चैनल सैनिक वेलफेयर न्यूजकास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले वी विश टू यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल बटन विद अ क्लिक ऑल नोटिफिकेशन बटन, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज ओआरओपी रिवीजन एक नए मोड पे पहुंच चुका है। जैसा कि आप सबको पता है, 16 मार्च 2022 को जब जजमेंट दे दिया गया था, उसके बाद से लेके ओआरओपी रिवीजन में बहुत सारी अटकलें चली आ रही हैं। दोस्तों, अब ये रिव्यू पिटीशन रजिस्टर्ड हो गया है कोर्ट के अंदर, यानी कोर्ट ने इसको अपने रजिस्टर में, कोर्ट के रजिस्टर्ड होते हैं केसों के ए एंड बी टाइप के, उनमें से जिस कैटेगरी में ये आता है उस कैटेगरी में उसको डाल दिया है। और यानी कि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपकी रिव्यू पिटीशन हमने रजिस्टर की है। अब इसके ऊपर चैम्बर डिस्कशन होगा। आपको ये जानना चाहिए कि ओआरओपी रिवीजन में जो रिव्यू पिटीशन डाली है उसका जो चैम्बर डिस्कशन है वो होता क्या है। रिव्यू पिटीशन का चैम्बर डिस्कशन मे बी कि एक दो वीक में होना शुरू हो जाएगा। एक बार चैम्बर डिस्कशन होगा, फिर ओपन कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी और उसके बाद डिसीजन दे दिया जाएगा। उस डिसीजन के बाद भी यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फाइनली ये ओआरओपी उस डिसीजन के आधार पर लागू कर दी जाएगी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि चैम्बर डिस्कशन या रिव्यू पिटीशन में चैम्बर डिस्कशन का क्या महत्व है। चैम्बर डिस्कशन सिर्फ इसलिए किया जाता है कि व्यक्तिगत तौर पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ओआरओपी केस के, वो एक जज साहब और लॉयर्स वहाँ पर बैठ के ये डिस्कस करेंगे कि जो जजमेंट दिया गया था उस जजमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपको आपकी ओआरओपी के संबंध में अच्छी नहीं लगी, या जिनको आप मानने से इनकार करते हैं, या जो आपको पीड़ा देने वाली हैं। उन थिंग्स के ऊपर, उन बातों पर, उन पॉइंट्स पर वहाँ डिस्कस किया जाता है। और रिव्यू पिटीशन में उस चैम्बर डिस्कशन के अंदर ओआरओपी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जज साहब को ये मनवाना होगा, जज साहब को आपने अपने फैक्ट मनवाने होंगे किस तरह से, जेन्युइन तरीके से, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो ओआरओपी रिवीजन है वो सही नहीं हुआ है, ये क्यों सही नहीं हुआ, उसकी वजह ये है और ये ऐसे इस तरह से होना चाहिए, वो पॉइंट्स भी आपको वहाँ देने होते हैं, तब जाके रिव्यू पिटीशन का कोई मतलब निकलता है। यानी चैम्बर डिस्कशन में जज साहब को ऐसा आपने आभास करवाना है कि हाँ, रिव्यू पिटीशन सही मायने में दायर की गई है, तब जाके उसका क्या होगा, ओपन कोर्ट में हियरिंग होगी और तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, यदि वास्तविक तौर पर बेनिफिट लेने लायक हैं तो। अब इम्पॉर्टेंट बात यह कि ओआरओपी रिवीजन में जनरल सतवीर सिंह साहब का रिव्यू पिटीशन डालना ऑफिसर्स के हित में है कि ओआरओपी के हित में, ये तो बाद में ही पता चलेगा। वैसे आप सब जानते हैं, सबको पता है कौन किसके पक्ष में है। तो इसके रिगार्डिंग जनरल साहब ने ट्वीट करके अपडेट किया है, वो ट्वीट्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं। मैं जनरल साहब की तरफ से ट्वीट आया है, वो आरओपी अपडेट, रिव्यू पिटीशन हैज़ बीन रजिस्टर्ड ऑन 14 जुलाई 2022 इन एचएससी फॉर द चैम्बर हियरिंग, सेम विल बी लिस्टेड अकॉर्डिंग अटैच, गवर्नमेंट एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर 3 मंथ फाइल्ड ऑन 9 जून 2022, आउटकम इज अवेटेड। क्लियर सा मतलब है, ओआरओपी के रिगार्डिंग अपडेट है, रिव्यू पिटीशन 14 जुलाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर रजिस्टर की गई है चैम्बर डिस्कशन के लिए। और इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आप चाहो तो इसको देख सकते हो, जैसा कि साहब ने नीचे उसका एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है। और आगे इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट एप्लीकेशन, जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम था रिवीजन के लिए, गवर्नमेंट ने एक 9 जून को एप्लीकेशन लगाई थी कि हमें टाइम एक्सटेंशन दिया जाए रिवीजन के लिए ओआरओपी के लिए, उस समय 3 महीने का टाइम गवर्नमेंट मांगना चाह रही थी। उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक नहीं हुआ है, वो अभी तक वेटिंग में है और उसके ऊपर भी जल्दी अपडेट आपको मिल जाएगा। अब हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर ये जो अपडेट है रिव्यू पिटीशन का, इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या कुछ इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की मेन वेबसाइट है, यहाँ पर आपका केस डायरी नंबर लिखा हुआ है 11943 2022 सबमिटेड,
और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट एंड ऑल इंडियन फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय इट्स जनरल सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया, केस डायरी नंबर 19/11/1943/2022 और 18 अप्रैल 2022 को ये डाली गई थी रिव्यू पिटीशन जो पेंडिंग है और इसका चैम्बर डिस्कशन के लिए इसको रजिस्टर कर लिया गया है। अब इसमें आगे चैम्बर डिस्कशन होना है और चैम्बर डिस्कशन के बाद जज साहब इस बात का डिटर्मिनेशन करेंगे कि आपको क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है या क्या आपने जो पॉइंट रखे हैं उनके हिसाब से संशोधन होगा, यानी कि रिव्यू पिटीशन एक दो वीक बाद चैम्बर डिस्कशन में आ जाएगी और जल्द ही इसका फाइनल रिजल्ट आपके सामने होगा। यह था एक इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग ORP। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। जय हिंद फॉर द नेक्स्ट।